देश के कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के कारण लोगों को बाहर जाने के लिए ई पास की जरूरत पड़ रही है। कोरोना वायरस ज्यादा न फैले इसलिए राज्य सरकारों ने सिर्फ जरूरतमंदों को इस लॉकडाउन में बाहर निकलने के लिए इजाजत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि लॉकडाउन को कोई बिना वजह नहीं घूम सकता। हाल ही में केरल पुलिस के सामने एक विचित्र मामला सामने आया। एक आदमी ने पुलिस के पास ई पास के लिए इसलिए अनुरोध किया क्योंकि वह आदमी शाम को कन्नूर में एक जगह सेक्स करने के लिए जाना चाहता था। कोमदी नामक शख्स शाम को कन्नूर में एक जगह जाना चाहता था। इस आवेदन को पढ़ने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। आवेदन प्राप्त करने पर सहायक पुलिस आयुक्त की सतर्क किया गया, जिसे विलापट्टनम पुलिस को केरल कोमदी के बारे में पूछताछ के लिए स्टेशन पर लाए गए व्यक्ति को पकड़ने का निर्देश दिया गया। व्यक्ति ने खुलासा किया है कि ये एक गलती थी और उसने गलती से ऐसा कर दिया। शख्स के माफी मांगने के बाद पुलिस ने उसे जाने दिया। आपको बता दें, शख्स की माफी को लेकर स्वीकार करते हुए आदमी को रिहा कर दिया गया और गैर आवश्यक कारणों के से ई पास के लिए आवेदन नहीं करने का निर्देश दिया गया। इससे पहले इसी तरह की घटना बिहार के पूर्णिमा जिले में मजिस्ट्रेट ने ट्विटर पर एक विचित्र आवेदन साझा करने के लिए ट्विटर पर लिया था, जो बिहार पुलिस को मिला था। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।